ये बेचारा तो सिर्फ अपने दो पैर पे चल रहा है, क्या बिल्ली ने इस पर अटैक किया? आसू डुग्गू ने सुबह भरपेट सरले खाया, उसके बाद भागकर अपनी पर्सनल जगह पर जाकर इमली वाली कैंडी खाने लगा। हमारे यहाँ तो बहुत सारे सनफ्लावर हो गए पर इसके हार्वेस्टिंग में भी टाइम लगेगा। आज जब हम एक दुकान से घर वापस आ रहे थे तब हमें गिलहरी का बेबी मिला जो कि चल भी नहीं पा रहा था, सिर्फ अपनी दो टांगों पर चल रहा था। बेचारा काफी कमजोर था और इस गिल्लू का बैग पूरी तरह से खराब था। क्या आप में से कोई जानता है कि गिल्लू कैसे ठीक होगा ताकि अपनी लाइफ अच्छे से जी सके? घर आके सबसे पहले एक सनफ्लावर बाहुबली को दे दिया ताकि उसके छोटे चूजे हेल्दी और जल्दी से बड़े हो सके। ये बाहुबली का चूजा नंबर वन, बाहुबली ने इसको ठूस ठूस के खाना खिला रखा है। बाहुबली के चूजे को हम देख ही रहे थे तभी हमारे गेट पर तेजी से एक बाज आया और मुझे देखकर पास के छत पर उड़ गया। मैं ये गेट दोपहर को इसलिए खोलता हूँ ताकि बर्ड्स को धूप मिल सके, पर इस आदमखोर बाज ने इंसानों से भी डरना छोड़ दिया है। मेरे रहते वो गेट पर आ गया, लगता है इस बाज ने मेरे सूरज पर अटैक किया था। अगर सूरज खुला होता तो इसे ले जाता। इस बाज का कुछ करना होगा जल्दी से, मैंने जाली लगवाने को बोल दिया है, जल्दी लग जाएगा गेट में जाली। गिल्लू के लिए प्रे जरूर करें ताकि जल्दी से ठीक हो सके। जय श्री राम।